श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने प्रभु श्री रामचंद्रंकर कृपा भिक्षा करी मो मधुमिता आपण समस्तंकु स्वागत जनाउछि। आपण मानक सामनारे मो परिवेषण करिया पय जाउछि मो धारावाहिक आलेख्य मधुरोक्तिर एकविंशतम अध्याय। तेबे आसंतु शुणिबा मधुरोक्तिर एकविंशतम अध्याय। तुम कोदंडर टंकार माता सीता शुणीपारे आउ किछि अनर्थ हेबा आगर निज पुत्र को रोकीदेवाई यथासंभव प्रयास करते कि महर्षि बाल्मीकि यही समस्या समाधान करने निजे जा स्थान पहुँची तुम मान युद्धर विरत होते कि आउ एक तथ्य अनुजाई लवकुश तुम समेत सब योद्धा मान को अचेत करदे बाल्मीकि आ माता सीता आसी से सुस्थ करने को कही तुमर परिचय देते निज राजा को पिता सम भक्ति करुवा छुआ दुईज जितेबले जानवाक पाइले पिता ही होती स्वयं राजा राम से आश्चर्य आ आनंदर सीमा रही किंतु से निज माता विषय भाभी भाभी दुखी होबार लगले। यह केमती संभव जे देवी तुल्य से माता को तंकर स्वामी त्याग करे पुणी अंतसत्व होगा समय एत बड़ राज परिवार रे जन्म हो कहीं ऋषि आश्रम बड़ होगा पड़ू से कथा बुझीपार नी पाने बड़ परिवार थाए मध्य एका एका रही से सबुर कारण खोजी पा नवकुश दुखी हो जाते से माता सीता से डाक से ही सत्य को कही जहाँ से मैंने जानवा समय आसी उपनीत हो जाता नारी आ पुरुष मानक मध्यरे सामाजिक समानता आनिबा पई तांका माता पिता करथिबा एही भीषण त्याग कथा सुनी लवकुश मुंड नुआई देथिले आ महर्षि बाल्मीकि सेमानक तांकर कर्तव्य विषय मध्य बुझाई देथिले। माता पिता भितरे फाट सृष्टि हेले केवल पिला माने ही सेतु होई से फाट को पुनः जोड़ी पारंते। ता छड़ा युग परिवर्तनर जेउ स्वप्न देखि सीताराम अलगा हेथिले से ही युग परिवर्तनर बार्ता को बहन करी से माने अयोध्यावासींकर चिंताधारा बदल देवाई रामायण महाग्रंथर सहायता नहीं आगे गले। सुललित कंठरे से माने गाय चलिले किपर धरित्री पापर भारे दाबी हो जाता बेले शांति और प्रेमर प्रतिष्ठा करने श्रीहरि स्वयं धरावतरण करने निष्पत्ति नहीं तांकर महान कार्य साहाय्य करने निजे अनंत लक्ष्मण रूप एवं शंख आउ चक्र दुईज भरत आ शत्रुघ्न रूप से जन्मग्रहण कर निजर कर्तव्य निभाई सत्यसंध श्रीराम धर्मपत्नी होगापी निजे लक्ष्मी माता सीता रूप से आसी धरित्री कोल प्रकट होते किपर श्रवण कुमार बुद्ध चक्षुहीन माता पिता अभिशाप बल दशरथ सैन्यास भाव जागृत होता से कथा वर्णना करते वर्णना करते से किपर राम कार्य करने निजर लोभ संभाली नपरी एवं अरी सहार शपथ नहीं निजे महादेव एकादश रुद्र अवतार हो हनुमान हो धराबक्ष जन्म नहीं किपर राम नामर जप द्वारा तांक भितरे असरंती शक्तिर समष्टि घटिथिला एवं प्रमाण होइथिला जे राम नाम ठारु बड़ ए दुनिया रे आउ किछि भी केबे भी होइ परबो नाही। कहि चलिथिले से माने किपर तुम जन्मर यथेष्ट पूर्वरु हनुमान शंकरंकर कृपा पाई तुम नामर प्रचार प्रसार चलैथिले आउ ठीक से समय रे तुमर जन्म पाई मध्य प्रमुख भूमिका निभे निजको धन्य करथिले कहीकुश तुम जन्म बेलर से अनुपम गाथा जा अयोध्या समेत संपूर्ण विश्व को सुख शांति अनुभव करे सक्षम हो पार्ला से ही अनुपम बात्सल्य स्नेहर अम्लान गाथा समस्ते शुणुले जो थे वर्णना करपर तुम तुम शिक्षा समाप्ति समय अस्र मानक सहर कार्य चलते तुम वीरत्वर तुम बहादुरी तथा तुम स्नेह करुणार कथा शुणी अयोध्यार प्रत्येक नागरिक आहुरी आनंदित हो रामायण शुणापी आग्रही हेले। निजे पवन पुत्र लवकुशंकर परिचय जानिथिबारु प्रति पादे पादे जगि रही साहाय्य करुथिले आवश्यक हेले रक्षा मध्य करुथिले
धीरे धीरे रामकथा आगको बढ़िबा सहित माता सीतांकर गाथा मध्ये सेथिरे जोड़ी होई आसला। किपरि मिथिला नगरीर दुर्भाग्य दूर करी माता जानकी निजर भौणी मानक सहित खेल कौतुकरे दिन काटुथिले आ ता सहित किपरि प्रत्येक अस्त्र चालनारे सिद्धहस्त होई से कथा मध्ये ध्यान रे रखुथिले। कोमलांगी हेले मध्य से समस्त प्रकारर निजको मजबूत करि गढ़ि तोळीथिले। सीतांकर भेट तुम सहित पिलादिने थरे होइथिला जेतेबेले तुम्हें महाराज दशरथंक सहित मिथिला को बुलिबा पई आसथिल आउ सेतेबेले एक पुष्प तुम दुई जणंकर बाळुत प्रेमर साक्ष्य बहन करथिला। जेपरि जौवनर आगमन सहित मातांक साक्षात तुम सहित पुष्प उद्यान रे ही होइथिला। शिव धनु भंग करी माता विवाह करी जेतेबेले तुम्हें तांको अयोध्या को नहीं आसल सेतेबेले तांकर महान गुण सब बल से समस्तंकर प्रिय हो पारे। विवाह पर प्रथम रात्रि ही तुम्हें माता वचन देल जे तुम्हें आजीवन एक पत्नी व्रत पालन कर शुणवा आरंभ करहान सीतांर अमलिन गाथा जहा जड़े साधारण नारी चिंता करने को कष्टकर हेबो किंतु लवको सेपरि सीता मातांकर महानता विषय उपस्थापना करिबा आरंभ करिबा मात्रे अयोध्यार किछि मुष्टिमेय व्यक्ति भ्रू कुंचन करिबा को लागिले। रामकथा सुनिबा पई थिबा सेमानकर आग्रह सीतांकर कथा सुनिबारो हठात कुआडे मौळी गला। लवकुश एने चिंतित होई उठिले। हनुमान मध्य बहुत मन कष्ट कले। सबुठारु बेसी कष्ट होतला तुमको राजा हिसाब रे तुमे जाणि पारथलो कौन सब घटी चलछि। एते सुंदर रामराज्य प्रतिष्ठा होइथिया बेले हठात एमती संकुचित व्यवहार तुमको व्यथित करि पकाउथला। जणे नगर प्रमुख एहि विभ्राटर पुरोधा होइथिले जेउ धोबणीर कथा शुणि ताको न्याय देबा पई माता सीता तुमे एते कष्टकु सहि नैथिलो सेहि धोबणी मध्य ता स्वामीर गंजणा सहि चलिथिला। नारींकर सशक्तिकरण पई लवकुश सब नारी को एकाठी करी सेमानकर शक्ति परीक्षण पई आह्वान देले। शेषरे निष्पत्ति हला जे जदि नारी माने पुरुष मानको किछि प्रतियोगिता रे हरै देबे ताहले रामायणर बाकी पारायण समस्ते सुनिबे। सीतांकर आदर्श रे अनुप्राणित हेउथिबा प्रत्येक नारी निजर संपूर्ण ध्यान लगै दे प्रतियोगिता रे जयलाभ कले एवं अयोध्यावासी पुणि थरे रामायण शुणापी आग्रही हेले। एथर सेमाने शुणिले सही दुखद यात्रार कथा जेउं यात्रा सही दिन आरंभ होइतला जेतेबेले कैकेयी दशरथंग ठारु मागि नैथिले सही दुईटी अप्रत्याशित बर जेउंथिरे भरत राजा होइथान्ते आउ तुमे होइथान्त बनवासी। निज माता चरित्र विषय जनसाधारण को सत्यता जनईदेवा को पण कर लवकुश से ही सब सत्य उपस्थापना करने को लगिले जहा हुए तो इतिहास पर्दा पछरे लुचि जाता। जीवन में केवे कष्टर सामना कर माता सीता जितेबले जानवा को पाइले स्वामी निज पिता वचन में बांधि हो जाए राजसुख त्याग कर वनजात्रापी बाहरी से कहारी किसी प्रश्न नक निजे संगे संगे निजर सहधर्मिणी धर्म को निर्वाह करने निष्पत्ति नहीं गले। मनर दृढ़ विश्वास आगे सब बाधा विघ्न हार मानवाई बाध्य होता है। नवबोध सीता एपरी बण को पठाईपी का मन मानता भला कौशल्या देवी तो कही उठिले जे राम बिना से बंची पारे तेबे सीता मुख को चाह से बंची पारे किंतु धन्य थिला माता दृढ़ संकल्प एवं यथेष्ट सदृश मजबूत थिला तांका आदर्शर परिभाषा जहाँफल से समस्त को निज कथा खुशी रे राजी करई पारथिले। शेषे समस्त हृदयंगम करथिले जे सीतांक बिना राम बनवास को जाई परिबे नाही। श्री रामचंद्रंकर चरित्र गाथार अनुपम अध्यायर एही अध्याय किंतु एही ठारे समाप्त होइछि। बंधुगण अध्यायटी आपण मानको केमिति लागिला निज मतामत देई निश्चय जणाइबे अपेक्षा रहिला। तेबे भेटबो पुणि आगामी अध्याय रे। वर्तमान पे विदाय दियंतु। जय श्री राम।